इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में कुल दो भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहले भाग को करते हैं, इसमें जो हमें समीकरण दिया है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए पहले भाग में हमें ये समीकरण दिया है। अब देखिए इसके अलावा हमें यहाँ पर ये क्या कहा गया है कि x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि इस समीकरण में जो हमारा x है उसका मान जीरो के अलावा और कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है x का मान। तो इसका मतलब हमारा यही है कि x का मान इसमें कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हमें इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो हम मूल को किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, या तो हम पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हैं या फिर द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना आसान होता है, तो इसीलिए हम इस समीकरण के जो मूल हैं वो द्विघाती सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे, ये जो x है इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं। अब सबसे पहले एक और x का LCM करेंगे। तो देखिए ये हमारा LCM करने पर क्या आएगा, x ही आएगा। अब क्या करते हैं हम कि नीचे वाले से LCM को भाग करते हैं। तो यहाँ पर एक है, एक का x से भाग करेंगे तो x ही आएगा। फिर x का इस ऊपर वाले से गुणा करते हैं तो ये हमारा x स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस है तो माइनस, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इस नीचे वाले से इस LCM को भाग, तो x से x को भाग करेंगे तो एक आएगा। फिर एक का इस एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बराबर में क्या है हमारा, तीन। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर में, ये जो x बटे में है बराबर के इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो तीन का x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर, अब इस 3x को बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस का 3x हो गया और ये माइनस में एक, बराबर में इधर क्या बचेगा, जीरो। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया, तो हमें अब इसका मूल ज्ञात कर लेना है। तो देखिए इसके मूल ज्ञात करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसमें द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करेंगे, तो द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो ये द्विघात समीकरण है इसमें हम ए बी और सी के मान लिखते हैं। तो देखिए ए हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो एक मानते हैं। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस तीन। और सी क्या होता है, ये अचर पद माइनस एक है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ पर अब सूत्र लिखेंगे, कौन सा सूत्र, जो द्विघाती सूत्र का होता है। तो ये हमारा क्या होता है, एक्स बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे में 2a, ये हमारा होता है सूत्र। तो अब हम इस सूत्र पे सबका मान रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस में ये वाला माइनस ये रहा, फिर क्या है b, और b का मान देखिए कितना है, माइनस तीन है, तो b की जगह पर माइनस तीन लिखेंगे। फिर प्लस माइनस है, फिर इसके बाद अंडर रूट यानी कि ये वाला, फिर इसके बाद देखिए बी स्क्वायर है और बी का मान कितना है, माइनस तीन, तो बी की जगह माइनस तीन लिखा और फिर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर आ गया। फिर माइनस में चार, फिर गुणा में क्या है, ए सी, और देखिए ए का मान कितना है, एक, तो ये एक लिखा, गुणा में सी का मान कितना है, माइनस एक, तो ये हो गया। अब बटे में क्या है, दो, गुणा में ए है और ए का मान एक हो गया, है ना। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का तीन हो गया। फिर इसके बाद ये प्लस माइनस आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे तो माइनस तीन का स्क्वायर कितना होगा, ये हमारा नौ हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा प्लस होता है और तीन का स्क्वायर नौ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया।
अब ये चार एकम चार, फिर एक से गुणा करेंगे तो चार ही आएगा, और बटे में देखिए दो गुणा में एक, दो एकम दो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से देखिए ये हमारा तीन प्लस माइनस रूट में नौ प्लस चार कितना हो गया तेरह, बटे में क्या है दो, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ से देखिए जो ये रूट तेरह है इसके आगे प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि रूट तेरह हमारा प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो यहीं से अब हमारे दो मूल निकल के आएंगे। देखिए पहला मूल क्या हो जाएगा, ये तीन को तो एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो रूट तेरह है ये प्लस और माइनस दोनों में है, तो सबसे पहले हम इसको प्लस में रूट तेरह ले रहे हैं और बटे में क्या है दो, तो ये हमारा पहला मूल आ गया इस द्विघात समीकरण का, यानी कि इस समीकरण का जो मूल है वो पहला हमने निकाल लिया। अब दूसरा मूल निकालेंगे, देखिए कैसे, यहाँ पर ये तीन को तीन लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने ये जो रूट तेरह है इसके साथ प्लस में हमने यहाँ पर लिख लिया है, अब माइनस में रूट तेरह को हम यहाँ लिखेंगे और बट्टे में क्या है दो, तो ये हमारे दोनों मूल आ गए, ठीक है। तो इस तरह से पहला भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए दूसरे भाग को करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में हमें ये समीकरण दिया है, अब देखिए इसको भी सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें जो हमें ये नीचे दिए गए हैं इनका हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस में चार और ये एक्स माइनस में सात, ये हमारा आ गया एलसीएम इन दोनों का, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो ये एलसीएम आया है इसमें हम इस नीचे वाले से भाग करते हैं, तो जब इससे हम इस नीचे वाले में भाग करेंगे तो हमारा देखिए x प्लस चार से x प्लस चार कट जाएगा, तो ये x माइनस सात बचेगा। अब ये जो बच रहा है इसका ऊपर वाले से गुणा करते हैं, तो x माइनस सात का जब एक से गुणा करेंगे तो x माइनस सात ही आएगा। फिर इसके बाद ये माइनस है तो माइनस, ऐसे ही इसमें भी इस नीचे वाले से इसको भाग करेंगे तो x माइनस सात से x माइनस सात कट जाएगा, x प्लस चार बचेगा। अब इस x प्लस चार का एक से गुणा करेंगे तो ये हमारा x प्लस चार ही आएगा, है ना। बराबर में क्या है हमारा, ये है ग्यारह बटे में तीस। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये तो एज इट इज आ जाएगा x माइनस में सात, अब ये माइनस, अब ये ब्रैकेट में x प्लस में है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और ये x, ऐसे ही ये भी माइनस प्लस माइनस और ये चार, और बटे में क्या है हमारा, ये है, इसको एज इट इज लिख लेंगे x प्लस में चार x माइनस सात। फिर इसके बाद बराबर में क्या है, ग्यारह बटे में तीस। अब देखिए यहाँ पर ऊपर ये प्लस में x है और ये माइनस में x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी कि कट जाएंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर माइनस सात और माइनस चार बच रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि सात और चार ग्यारह, और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और बटे में जो है उसको हम उतार देते हैं एक्स प्लस में चार एक्स माइनस में सात, बराबर में क्या है ग्यारह बटे तीस। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि माइनस ग्यारह का तीस से गुणा करेंगे। तो देखिए ये हमारा माइनस का ग्यारह गुणा में ये हमारा तीस हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग में है इधर जाके गुणा हो जाएगा, बराबर में ये जो ग्यारह है इसका इस पूरे से गुणा हो जाएगा, यानी ये भी इधर भाग में है इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, सबसे पहले x प्लस में चार फिर x माइनस में सात, तो ये हमने कर दिया यहाँ तक। अब देखिए माइनस ग्यारह का जब तीस से गुणा करेंगे तो माइनस का तीन सौ तीस हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर ये हो जाएगा ग्यारह। अब देखिए सबसे पहले इस पहले ब्रैकेट का इस दूसरे ब्रैकेट से गुणा होगा, तो x का x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, अब x का माइनस सात से गुणा करेंगे तो माइनस सात एक्स, इसी तरह से चार का x से गुणा करेंगे तो चार एक्स, और चार का माइनस सात से गुणा करेंगे तो माइनस अट्ठाईस, ये हो गया यहाँ तक।
अब देखिए इसको एक बार आगे सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 330 बराबर में ये 11। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसको उतारा, अब ये माइनस 7x, ये प्लस का 4x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 7x में से 4x को घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 3x, और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा और ये माइनस में 28। अब यहाँ से बाकी के हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो देखिए ये तो हमारा आ जाएगा एज इट इज माइनस का 330 बराबर में, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 11 का इस पूरे में गुणा कर देंगे, तो सबसे पहले 11 का एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो ये हमारा 11x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 11 का माइनस 3x से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 33x हो जाएगा, फिर 11 का माइनस 28 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 308 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये तो हमारा एज इट इज इसको उतार देंगे 11x स्क्वायर माइनस में 33x माइनस में 308। अब जो ये माइनस 330 है इसको भी बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस का 330 हो जाएगा और बराबर के इधर क्या बचेगा 0, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ से देखिए ये 11x स्क्वायर माइनस में 33x, अब ये माइनस 308 ये प्लस का 330, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 330 में से 308 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 22 और ये प्लस में आ जाएगा बराबर में 0, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए इस जो द्विघात समीकरण है हमारा इस पूरे में 11 कॉमन आ रहा है तो हम 11 को कॉमन ले लेंगे, तो इसका अगर 11 कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें से 11 कॉमन आ गया तो माइनस का 3x बचेगा और इसमें से 11 कॉमन आ गया तो प्लस का 2 बचेगा बराबर में 0, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। अब ये जो 11 गुणा में है बराबर के इधर जाके भाग हो जाएगा, तो जब 0 में हम 11 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना, तो इस तरह से हमने कर दिया। अब देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया, तो देखिए अब इस द्विघात समीकरण का हमें मूल ज्ञात करना है तो ये हम द्विघाती सूत्र से करेंगे, तो उसके लिए हमें इसमें सबसे पहले a, b और c के मान लिखने होंगे। तो a का मान क्या हो जाएगा इसमें, a यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, b क्या होगा इसमें माइनस का 3 और c क्या हो जाएगा 2, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए हमारा सूत्र क्या होता है द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करने का, ये होता है x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो अब हम इसमें सबका मान रखेंगे, तो सबसे पहले ये हमारा माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अब देखिए b का मान कितना है माइनस का 3, फिर ये प्लस माइनस, उसके बाद अंडर रूट, यहाँ पर बी स्क्वायर है, बी का मान हमारा माइनस 3 है तो इसका स्क्वायर आ गया, फिर इसके बाद ये माइनस 4 गुणा में a है और a का मान देखिए 1 गुणा में c और c का मान 2 बटे में क्या है 2a और यहाँ पर गुणा में a का मान क्या है 1, तो ये कर दिया हमने। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि प्लस का 3 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए जब हम इसमें ये हमारा अंडर रूट हो जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा माइनस 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ जाएगा, फिर माइनस में ये 4 गुणा 1, 4 एकम 4, फिर गुणा में 2 यानी कि 4 दूना 8 हो गया, ठीक है, तो ये हमने करा और बटे में 2 एकम 2 हो जाएगा, तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा 3 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए अंडर रूट 9 माइनस 8 यानी कि 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा बटे में क्या है 2, तो अब यहाँ से देखिए ये हमारा 3 प्लस माइनस, अब देखिए जो 1 है ये वर्गमूल में है तो 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 ही होता है ना, तो ये हमारा जो है यहाँ से वर्गमूल हट गया तो ये 1 आ गया बटे में क्या है 2। अब देखिए 1 के आगे एक बार प्लस है एक बार माइनस में है यानी कि यहाँ से अब हमारे दो मूल निकल के आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x बराबर में ये 3 को तो सेम लिखेंगे,
अब ये हमारा एक एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो सबसे पहले हम इसमें एक बार प्लस में एक ले लेंगे, बटे में क्या है दो, तो ये हो जाएगा तीन प्लस एक चार बटे दो, यानी दो एकम दो, दो दूना चार, तो x का मान क्या आ जाएगा दो। इसी तरह से अब हम एक बार यहाँ पर x का मान क्या लेंगे तीन, यहाँ पर हमने जो एक है वो प्लस में यहाँ ले लिया है, अब हम यहाँ पर माइनस में एक लेंगे बटे में दो, तो ये हो जाएगा तीन माइनस एक दो बटे दो, ये कट जाएगा तो एक बचेगा, यानी x का मान इसमें हमारा एक आ गया। तो इस तरह से हमारे दोनों मूल निकल गए, पहला हमारा है दो और दूसरा है एक। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर तीन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पे ऑल वाले पे क्लिक कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।